फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ग्रोह का पर्दाफाश किया है जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को मिलने वाले बेनिफिट सर्टिफिकेट को चुराकर अपनी कंपनी में ट्रांसफर करते थे। फरीदाबाद में इन्होंने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के समधी और अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी शाही एक्सपोर्ट को 27 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया है। फरीदाबाद के डीसीपी हेडक्वार्टर नीतीश अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2020 में फरीदाबाद पुलिस को शाही एक्सपोर्ट की तरफ से एक शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें और उन जैसी कंपनियों को मॉनेटरी बेनिफिट देती है, जिसके चलते उन्हें लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस बार उन्हें 27 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के लाइसेंस जारी हुए हैं और जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए चेक किया तो पता चला कि ब्लैक कार्ड नाम की दूसरी कंपनी के अकाउंट में यह ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जानकारी मिलने के बाद कंपनी को अपने साथ हुए फर्जीवाड़े का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत फरीदाबाद के सेक्टर 31 थाने में FIR दर्ज करवाई। अब यह मामला इस नंबर को ट्रांसफ़र किया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यह मामला साइबर क्राइम को दिया गया, जिसमें साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीने में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैसे साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा आपने किया है, क्या कुछ मामला है और किस तरीके से किया है? देखिए, पुलिस को एक कंप्लेंट मिली थी शाही एक्सपोर्ट, यहाँ जो बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, उसकी तरफ से कि उनका जो सरकार के द्वारा उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है एक्सपोर्ट पे, तो कुल उनके 27 करोड़ के लाइसेंस थे जो उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से मिला था, उस लाइसेंस का गमन हुआ है और वो किसी ब्लैक कर्व नाम की कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो ये कंप्लेंट पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तेज़ी से काम करते हुए इसमें टोटल 10 गिरफ्तारियाँ करी हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला था कि इस कंपनी के लोगों ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के उसके जो लाइसेंस थे उनको एक फर्जी कंपनी में के अंदर ट्रांसफ़र करके एक तरीके से कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया है और सरकार के द्वारा जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता है या फिर उनकी स्कीम का जो बेनिफिट होता है उसका मिसयूज़ किया गया है। सर, ये जो दसारू के बता रहे हैं, ये कौन है, कैसे लिंक है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ है? जी, तो ये जो 10 आरोपी गिरफ़्तार हुए हैं, ये लोग सारे अलग अलग जगह से गिरफ़्तार हुए हैं। इसमें से कुछ आरोपी दिल्ली से गिरफ़्तार हुए हैं जो फर्जी DSC बनाने का काम करते थे, कुछ इसमें आरोपी मुंबई से गिरफ़्तार हुए हैं जिन्होंने फर्जी कंपनी बनाई थी, और कुछ एक आरोपी इसमें चेन्नई से गिरफ़्तार हुआ है जो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनियाँ हैं उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे, उनके कागजात बनाने में एक्सपोर्ट में संबंधित हेल्प करते थे, जिसका उनने गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, और इसमें बाकी आरोपी दिल्ली से भी गिरफ्तार हुए हैं। सर, शाही एक्सपोर्ट से कोई इनका लिंक वगैरह कुछ इस तरीके से है? देखिए, शाही एक्सपोर्ट से आरोपियों का तो ऐसा कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ये इन्होंने वेबसाइट पर देख के अपना खुद डेटा निकाल के उनकी खुद, क्योंकि ये खुद भी इनमें से कुछ आरोपी DGFT में पिछले 10-15 साल से काम करते थे, तो इनको पूरी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी कि सरकार का काम या फिर ये कैसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो इन्होंने इसका मिसयूज़ करा। सर, जिस तरीके से साइबर के हम देख रहे हैं, आपकी साइबर जो टीम है फरीदाबाद के, लगातार बड़े से बड़े खुलासे कर रही है, क्या लगता है कितनी मजबूत है हमारी जो साइबर टीम? देखिए, हमारी साइबर पुलिस जो फरीदाबाद की है बहुत ही प्रोएक्टिवली और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, और हम कहीं ना कहीं हमारा पूरा यही रहता है कि हम पूरे केस को कम्प्लीटली सॉल्व करें, कि उसमें एक एक जो बंदा इन्वॉल्व है पूरी लिंक को कम्प्लीट करें और सिर्फ उसमें सुपरफिशियल तफ्तीश करके नहीं छोड़ें, तो वो हमारा प्रयास रहता है और उसमें हम आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे ही काम करेंगे। सर, जो आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये कब हुई है, क्या अभी और भी इसमें कोई आरोपी रह गए हैं जो गिरफ्तार करने बाकी है? देखिए, ये 10 लोगों की गिरफ्तारी टोटल कुछ 3 महीनों में हुई है अलग अलग टाइम पीरियड पे, और इसमें अभी कुछ लिंक्स इन्वेस्टिगेशन में और बचे हैं जिन पे हम अभी कार्य कर रहे हैं। साइबर पुलिस स्टेशन ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। पुलिस के पास ये कंप्लेंट आई थी कि शाही एक्सपोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हाउस है यहाँ का गारमेंट्स का, उनके साथ एक फर्जीवाड़ा हुआ है जिसमें उस कंपनी के द्वारा जो एक्सपोर्ट करा जाता है, जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम बोला जाता है ROSCTL। तो ये जो होते हैं, ये बेसिकली आप जब एक्सपोर्ट करते हैं 10 रुपये का, तो उसमें सरकार आपको 10% या 1% का रिबेट देती है जो आपको खाते में वापस आता है एज अ लाइसेंस। तो शाही एक्सपोर्ट के कुल करीब जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, कुल 27 करोड़ के लाइसेंस थे
जो कि 154 लाइसेंस थे, और उन्होंने वो उनको एक्सपोर्ट जब उन्होंने करा था तो उनको सरकार ने ये रिबेट दी थी इतनी, तो उस लाइसेंस को किसी ने फर्जी डिजिटल सिग्नेचर उस कंपनी के बना के उसको एक ब्लैक कर्व नाम की कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र किया था। तो जैसे ही ये ट्रांसफ़र हुआ था तो इसके रिगार्डिंग हमें पुलिस को सूचना मिली थी और इसमें हमने FIR दर्ज करी थी, और इसमें हमने टोटल अभी तक कुल 9 गिरफ्तारियां करी हैं, जिसमें मेन जो आदमी था जिसने DSC बनाई थी और जिसने गलत तरीके से DSC बनाई थी उसको, और जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और जो खुद हरीश आहूजा बनके जिसने अपना वीडियो अपलोड करा था DGFT की वेबसाइट पे, उस बंदे को भी हमने अरेस्ट कराया। तो इसमें टोटल हमने अभी तक 9 गिरफ्तारियां करी हैं, जिसमें से अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी करी है, कुछ हमने दिल्ली से गिरफ्तारियां करी हैं, कुछ चेन्नई से करी हैं और कुछ बैंगलोर से करी हैं।